सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा है कि फुटपाथी दुकानदारों को भी पैकेज के तहत 10,000 तक का कर्ज दिया जाएगा। बिहार के मोदी ने कहा, घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज के तहत कोरोना संकट में लॉकडाउन की वजह से बिहार आ चुके या आने वाले 10 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को बिना राशन कार्ड के भी 2 महीने तक हर माह 5 की चावल और प्रति परिवार 1 की दाल दिया जाएगा। बचे हुए किसानों के साथ विशेष अभियान चलाकर पशुपालकों व मछुआरों को भी केसीसी का लाभ दिया जाएगा। मुद्रा के तहत शिशु लोन के बकायेदारों द्वारा ऋण की अदायगी पर 2% ब्याज अनुदान व 5,000 करोड़ के विशेष कोष से बिहार की स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक ऋण दिया जाएगा। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज जो पैकेज का दूसरा हिस्सा घोषित किया है वो प्रवासी मजदूरों के नाम है और बिहार में एक अनुमान है कि 10 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिक प्रवासी मजदूर आने वाले हैं और ये जो आने वाले लोग, इनके पास न राशन है न पैसा है और आज जो घोषणा की गई है कि प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक 5 किलो चावल प्रति माह यानी 10 केजी चावल और 2 किलो दाल मिलेगा, तो ये बिहार के प्रवासी मजदूरों को बहुत अधिक इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ ये मजदूर कल अगर लौट कर जाते हैं काम करने के दूसरे राज्यों के अंदर, तो जो राशन कार्ड है, एक राशन कार्ड एक देश एक कार्ड, यानी इस राशन कार्ड पर और वो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के अंदर अनाज उठा पाएंगे। अन्यथा जो मजदूर जाते थे दूसरे राज्यों के अंदर, उनको खाद्यान्न की दिक्कत होती थी, अब उनके उनका जो अपना राशन कार्ड होगा उसे वो चाहे बिहार में राशन उठाना चाहें या पंजाब में या हरियाणा में, उसे वो उठा पाएंगे। और तीसरा जो एक आज घोषणा की गई है वो है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग की, यानी प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों में रहने की बहुत दिक्कत होती है, एक छोटे कमरे में 8-8 लोग रहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर ये उन राज्यों के अंदर किफ़ायती दर पर किराए पर देने वाले मकान बनाए जाएंगे ताकि जो माइग्रेंट लेबर हैं वो एक अच्छी ज़िंदगी जो है वहाँ पर व्यतीत कर सके। उसी प्रकार जो शिशु लोन है यानी मुद्रा योजना के अंतर्गत 50,000 तक का जो ऋण लिया जाता है उसको शिशु लोन कहते हैं और ये गरीब लोग ही है इस प्रकार का लोन उठाते हैं, ये खोमचा वाला, रेवड़ी वाला, रिक्शा वाला या सब्जी बेचने वाले छोटे दुकानदार। और बिहार में 36,73,000 लोगों ने अभी तक 11,470 करोड़ रुपया का ऋण शिशु लोन के तहत देने का काम किया है। इसमें जिन लोगों का बकाया है वो अगर भुगतान करना चाहेंगे तो अगले 12 महीने तक 2% ब्याज अनुदान के द्वारा वो अपना भुगतान कर पाएंगे, यानी उनको 2% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी और जिसके माध्यम से अपने जो बकाया है उसका अगले 12 महीने तक भुगतान कर पाएंगे। साथ ही इस लॉकडाउन के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, जो सड़क पर ठेला लगा कर बेचने वाले खुमचा वाले लोग या अन्य खड़े होकर जो सामान बेचने वाले जो लोग थे जिसको स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए इस लॉकडाउन के अंदर और इसके लिए आज ऐलान किया गया है कि अगले 1 महीने के भीतर योजना प्रारंभ की जा रही है जिसमें 10,000 तक का कर्ज ले पाएंगे और इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तो बिहार के लाखों जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको इस घोषणा का लाभ मिलेगा। उसी प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत आज घोषणा की गई है कि 2 लाख करोड़ रुपया नए किसान क्रेडिट कार्ड लेने वाले लोगों को दिया जाएगा और 2.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। बिहार के अंदर 63 लाख से ज़्यादा किसान ऐसे जिनको पीएम किसान योजना का लाभ मिलता है और जिसमें बहुत बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिनके पास केसीसी नहीं है, तो उन किसानों को ये लाभ मिल पाएगा। साथ ही साथ जो मछुआरे हैं, जो मत्स्यजीवी हैं, जो पशुपालक हैं, वो भी इस किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा पाएंगे। तो मित्रों, कुल मिलाकर कल जो घोषणा की गई थी लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए और आज जो माइग्रेंट लेबर और किसानों और गरीबों के लिए जो घोषणा की गई है उसका सर्वाधिक लाभ बिहार जैसे गरीब राज्य को मिलेगा।
मोदी ने कहा कि प्रवासी मजदूर जब भी दूसरे राज्यों में वापस जाएंगे तो वहां भी वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत वे अनाज का उठाव कर सकेंगे। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार उन्हें दूसरे राज्यों में किराए के सस्ते मकान की भी सुविधा मिलेगी। बिहार में 36.73 लाख छोटे मोटे काम करने वाले गरीबों को मुद्रा के तहत 11,470 करोड़ का लोन दिया गया है। ससम में अगले 12 महीने तक शिशु ऋण धारकों जो कि 50,000 तक कर्ज लेने वाले दुकानदार द्वारा बकाए के भुगतान पर उन्हें 2% ब्याज अनुदान मिलेगा। लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए बिहार के लाखों फुटपाथी दुकानदारों को भी पैकेज के तहत घोषित 5,000 करोड़ के फंड से 10,000 तक का कर्ज दिया जाएगा। बिहार में पीएम किसान निधि से आच्छादित 63 लाख किसानों, जिनमें से काफी किसान केसीसी से वंचित हैं, के साथ बिहार के पशुपालकों व मछुआरों को भी विशेष अभियान के तहत केसीसी का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया है।